Hey guys, this is your friend GhostBusteR Whitey और A51 लेकर आ चुका हूँ और आज हम इस फ़ोन का करेंगे गेमिंग रिव्यू। तो हमने पिछले वीडियो में इस फ़ोन का किया था अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्लिक डिज़ाइन वाला ये फ़ोन है और 24-25 हज़ार के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो गाइस हम इसकी सेटिंग्स पहले चेक कर लेते हैं। और पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था इसका सॉफ्टवेयर इन्फो जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है। तो गाइस ये फ़ोन हमारे पास आता है 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ, जो कि पबजी जैसी गेम को खेलने के लिए तो बहुत ही काफ़ी है। काफ़ी क्यों, बहुत ही ज़्यादा ही कहूँगा। तो हम गेम खेल लेते हैं पबजी मोबाइल, क्योंकि अगर 6 GB वाला फ़ोन है तो सबसे पहले तो यही गेम आपको याद आएगी। और इसके बाद COD, फ्री फायर जैसी और भी गेम्स हैं जिसे आप गेमिंग रिव्यू में ला सकते हैं। तो हमने गाइस स्टार्ट कर लिया है और हम इसका ग्राफिक्स सबसे पहले HDR पे करेंगे, क्योंकि अल्ट्रा HDR अभी नहीं आया है। HDR पे रख के हम इसे करेंगे मीडियम एंड देन हम खेल लेते हैं अपना फर्स्ट मैच। तो गाइस सब चीज़ें तो एकदम क्लियर दिख रही हैं, कितना धूप वगैरह जो आ रही है ऊपर से वो भी एकदम अच्छी तरह क्लियर दिख रही है, लेकिन गेम के अंदर हमें जो है ये देखिए हल्की हल्की चिपक रही है, यानी लैग हमें दिख रहा है गेम के अंदर। और फायर करके देख लेते हैं तो क्लियर लैग हमें दिख रहा है गेम के अंदर, तो ये पर्याप्त नहीं है। तो हम सेटिंग्स द्वारा चेंज करते हैं और इस बार हम HD पे अल्ट्रा पे रखेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे। हाँ, तो धूप वैसी है, सारा कुछ वैसे ही है, HD अल्ट्रा पे है और गेम अब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है, लैग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आप इसे खेल सकते हैं आराम से यहाँ पर। और ओके, तो गेम अब तक अच्छी चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा। ओके, तो हम दोबारा से चेंज करते हैं और बैलेंस्ड पे कर लेते हैं इस बारी, बैलेंस्ड अल्ट्रा। ओके, तो गाइज अब भी कोई ज़्यादा वैसी हमें वो देखने को नहीं मिल रहा लैग, तो मतलब आप इसे यहाँ पे भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे बटन टैप नहीं हुआ, पता नहीं शॉर्ट रजिस्टर नहीं हुआ और इस बंदे ने पता नहीं कैसे मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें छोटा सा गेमिंग रिव्यू करना है। तो गाइस इसमें फ़ोन में बहुत बढ़िया खासी अच्छी अच्छी बातें इस फ़ोन में हैं जिन्हें आप गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर शेडो वगैरह अच्छी तरह दिख रही है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह सारी डिटेल्स जो है आपको दिखेंगी गेम के अंदर। तो अब हम सबसे लास्ट स्मूथ एक्सट्रीम पे से खेलेंगे, जहाँ पे धूप वगैरह गायब हो जाती है लेकिन बाकी सब कुछ सही रहता है। और यहाँ पे मैं मर गया। ओके, मैंने देखा नहीं यहाँ पे सेटिंग के चक्कर में, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ धूप वगैरह है, जो डिटेल्स है थोड़ी कम हो गई है, लेकिन गेम प्ले विदाउट लैग, बिल्कुल ज़ीरो लैग के साथ गेम चलेगा आपका, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस ये फ़ोन लैग नहीं होता, इसलिए आप क्लोज कॉम्बैट में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लोज कॉम्बैट आप कर सकते हैं आराम से किसी से भी और देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस आ रहा है मोबाइल के ऊपर। और इसको तो क्या ही मारा, मतलब ऊपर से उड़ के शक्तिमान बन के। तो गाइस गेम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अब तक। और यहाँ M762 का बहुत ज़्यादा रिकॉइल है, मेरे को फ़ोन पूरा नीचे ले जाना पड़ गया। और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओम से भी एक किल करके देख लेते हैं हम। और यहाँ पे दोनों को ही नेट से उड़ा दिया, क्या बात भाई, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस गेम प्ले में तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चल रहा है और कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, स्मूथ एक्सट्रीम पे हम खेल रहे हैं। और ओहो, M24 से उड़ा दिया, बहुत प्यारा। तो गाइस गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 6 GB रैम है इस मोबाइल में, 128 GB का मेमोरी स्टोरेज है और काफ़ी हेल्प करेगा। एक तो मेमोरी उसका स्टोर करके रखेगा और रैम आपके गेम में लैग का एक्सपीरियंस नहीं होने देगा, तो बहुत ही बढ़िया गेमिंग रहने वाला है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है इस फ़ोन के साथ। और मार्केट में अवेलेबल है गाइस, ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है सैमसंग की तरफ से ही, और इसमें अलग से कोई प्रोसेसर यूज़ नहीं किया गया, सब अपना सैमसंग वाले यूज़ करते हैं। तो बटन में कोई चिपकाहट यूज़ नहीं हो रही, चिपकाहट आ नहीं रही, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है।
कोई दिक्कत नहीं आएगा इस गेम प्ले में। तो मैं बिल्कुल आराम से खेल रहा हूँ और यहाँ पे अटक गया मैं खुद ही ब्रो इसमें जो भी है ये चीज़। तो गाइस मैं तो नोबू उस गेम में, मेरे को खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं इस गेम के अंदर, लेकिन आपको बता ही सकता हूँ गेमिंग रिव्यू साथ की बहुत ही बढ़िया गेम है और इस मोबाइल में तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ओपी ये गेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस फ़ोन में। और पीछे से कवर हटा के खेला मैंने तो इतना ज़्यादा हीट का भी मेरे को डिफरेंस नहीं आया। तो इस गेम बूस्टर्स में अलग से डाला गया है जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, स्क्रीन टच लॉक यानी एक्सीडेंटल कोई टच होता है तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, और नेविगेशन बटन को आप लॉक कर सकते हैं, जैसे बार बार ही नेविगेशन बटन खुल जाएंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स इसमें दिए गए हैं, साइड में आपको बैटरी बताता रहेगा कि कितने देर आपका गेम चलने वाला है। तो गाइस गेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही अच्छा ये फ़ोन है। और अब हम एक गेम प्ले रिकॉर्ड करके देखते सिंपली, तो रिकॉर्ड कर लेते गेम प्ले को। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा करियर, जो कि सीज़न 11 में कभी एमुलेटर में खेला करता था, लेकिन अब मोबाइल की बदौलत मेरी केडी भी देखो 1.4। और उससे पहले सीज़न 11 में एमुलेटर लैग एमुलेटर में होकर मेरी केडी कहीं पर 0.67 थी, और उससे पिछले सीज़न में 0.75, और उससे पिछले सीज़न में 6.9। तो लेकिन इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया केडी के साथ मैं पहली बारी प्लेटिनम सेकंड पे गया हूँ, जो कि आज तक गया नहीं था, और नूब तो हूँ ही मैं कतई। तो मतलब ये मतलब है गाइस कि फ़ोन भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देगा आपको जितना आप इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे फ़ोन्स को संभाल कर रखना चाहिए ज़्यादा। और हीटअप तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है फ़ोन, और बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देगा, बहुत ही स्लिक टच यूज़ किया गया इसमें, हल्का टच करेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ओके तो गाइस अब हम कर लेते हैं, एक बंदे को देख लेते हैं जो कि इस समय रैंगल खेल रहा है, तो उसका भी गेम प्ले दिखेगा हमें स्मूथ पे। तो देख लेते हैं ये बंदा क्या कर रहा है। तो ये दरअसल तो मेरा दोस्त ही है, लेकिन देखते हैं फिर भी। और नेड कर रहा है बंदा, ओहो लैग होने के, ओहो नेड अंदर ही आ गया, क्या बात, ये तो कट गया। ओ भाई तो हम गेम को भी देख लेते हैं रिकॉर्ड करके, एक गेम प्ले हम रिकॉर्ड करेंगे कोई भी, जैसे कि अरीना ट्रेनिंग में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक मैच। तो स्मूथ एक्सट्रीम का एक गेम प्ले है गाइस, ये देखो अब मैंने रिकॉर्ड वाले उस पर लगाया तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो हम गेम रिकॉर्ड कर रहे हैं अब, और ये रिकॉर्डेड वर्जन है गेम का, इंटरनल आप रिकॉर्ड कर सकते हो माइक्रोफोन ऑफ करके, अगर माइक्रोफोन ऑफ नहीं रखना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको हैंड कैम के साथ भी दिखाऊंगा कि गेम कितना बढ़िया चलेगा, और बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है अंदर से, कोई भी लैग का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल लैग का एक्सपीरियंस नहीं आएगा आपको। तो हमने पहला किल कंफर्म कर लिया है, और अब मैं आपको इसके हैंड कैम के साथ दिखाता हूँ कि असल में मैंने हैंड कैम में खेला था और रिकॉर्ड का बटन दबा के खेला था, तो ये रिकॉर्डेड गेम प्ले नीचे है और हैंड कैम ऊपर, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि गेम कितना अच्छा चल रहा है। तो गाइस गेमिंग में तो कोई कमी नहीं है, हम छोटा सा ही गेम प्ले रिकॉर्ड करेंगे अंदर ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों का भी ज़्यादा समय ना जाए। तो गाइस गेम में तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल 1 HP से बचा हूँ मैं, लेकिन बस इतना ही गेम हम रिकॉर्ड करेंगे अभी के लिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। तो ये तो रही हमारी गेमिंग रिव्यू की बात, और अगर आप चैनल पर आए थे नवे तो पहले तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना भाई के लिए, सपोर्ट कर देना,
and stay tuned for the more videos. Thank you.